छतरी तो पलट गई। आज से ये तुम्हारा घर है। बरसात में तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ओके? अरे बच्चे लोग, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आवारा जानवरों को हमारी कॉलोनी में लाना मना है। सुखी अंकल, पीकू का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस कोने में उसका घर बना दीजिए ना, प्लीज। बोला ना नहीं, आज पिल्ला लाया है, कल घोला लाएगा, फिर हाथी और फिर डायनासोर भी ले आएगा। उसे क्या मैं अपने सिल पे लखूंगा? देखा देखा, ये आवाला पिल्ला ऐसा ही भौंकता है। इसको तो उठा के फेंक देना चाहिए। नहीं रुकिए सुखी अंकल, रुकिए प्लीज। रमेश रमेश, आज के बाद इस कॉलोनी के गेट से कोई भी आवारा जानवर अंदर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ओके साहब जी, जैसा बोलेगा साहब जी। हाँ हमारे बिना तो क्रिकेट फील्ड में परिंदा भी पर नहीं मारता। तुमने खेलने के बारे में कैसे सोच लिया और टॉस भी कर लिया? बॉस, ये थकेला का आइडिया था। पर टॉस तो पकेला ने किया। ओए, मैंने कहा था बॉस के लिए रुकते हैं। नहीं बॉस, इसने कहा था आप क्या खेलेंगे, आप तो बूढ़े हो गए, बूढ़े। अच्छा, फिर इसने कहा था सिर्फ बूढ़े नहीं, महाबूढ़े, महाबूढ़े। और इसने कहा था अब क्रिकेट है ना, फुटबॉल की तरह खेलते हैं, फुटबॉल की तरह। बॉस ये झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठा है ये। नहीं, इसने आपको मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सुनो तुम, अरे पहले तुमने शुरू किया था ये सब। इसने आपको महाबूढ़े कहा, ये गलत बोल रहा है। खामोश। किसने क्या कहा मुझे नहीं सुनना। पकेला जाके फील्डिंग करो, और पकेला पकाना बंद करो और बॉलिंग करो। यस बॉस। जानबूझ के इजी बॉल देता हूँ ताकि उस मोटू थकेला को दौड़ना पड़े। बच्चों वाली बॉल नहीं, फास्ट डालो 200 की स्पीड से। एक शॉट में 6 और 6 12 रन। आवारा जानवरों को हमारी कॉलोनी में लाना मना है। इसको तो उठा के फेंक देना चाहिए। आज के बाद इस कॉलोनी के गेट से कोई भी आवारा जानवर अंदर नहीं आना चाहिए। ओहो हो, कितना निर्दयी इंसान है। ओहो, और सामने एक नन्ही सी जान है। बेजुबान जानवर को अपनी कॉलोनी से निकाल रहा है और प्यारे बच्चों का दिल तोड़ रहा है। ऐसे जालिम को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ बॉस, तभी इसका दिमाग खुलेगा। तो सोच क्या रहे हैं हम? डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। है?
है, ये रास्ते में पेल कैसे आ गया? अरे ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया? मैं कहाँ फंस गया? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मुझे सपना कैसे आ सकता है? वॉकिंग के रास्ते में ये पेल कैसे आ गए? सपना नहीं, ये सच है। और ये पेड़ तो मदर नेचर की देन है, कहीं भी उग जाते हैं। कौन हो तुम लोग? अपन का नाम थकेला है रे। और अपन का नाम पकेला क्या? और अपन दोनों भूत लोग से आए रे। क्या कहा? भूत भागो। लगता है मैं सच में सपना देख रहा था। तुम लोग अब कहां से आए? जमीन के अंदर? सुनो सुखीराम जी, अब आपको जमीन पे दौड़ने का नहीं, समझा क्या? जी हाँ, जमीन पर कोई भी एरा गेरा नहीं दौड़ सकता। तुम्हें जमीन पे दौड़ना बंद करना होगा। अरे ऐसा कैसे? मैं इस कॉलोनी का सेक्रेटरी हूँ और ये सोसाइटी का गार्डन है। पर उससे पहले ये मदर नेचर की जमीन है, और मदर नेचर तुम जैसे पापी को अपने जमीन पर नहीं दौड़ने देगी। अरे पापी किसे बोल रहे हो? और मैं यहाँ नहीं दौड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? हवा में। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। ये सांड मेरे पीछे क्यों पल गया? मैंने इसका क्या बिगाला है? तैयार? हाँ बिल्कुल, जो हमारी मर्जी के बिना हमारे इलाके में आता है उसे हम शॉट मार के ही इलाके से बाहर भेजते हैं। एक और है। अले, अले, नहीं। कौन हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? किस गली के भूत हो तुम लोग? गली के नहीं, भूत लोग के भूत हैं। हमारा नाम है बॉस, भूत बॉस। और इन दोनों का नाम तो तुम जानते ही हो। किसी भी लोग के हो पर मुझसे क्या चाहते हो? मुझे यहाँ से नीचे उतारो, उतारो ना। खुद यहाँ लटके तो बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, ऊंचाई से डर लग रहा है। हाँ, लेकिन बेजुबान जानवर को बिना सोचे समझे यहाँ फेंक दिया। मैंने किसे फेंका? अच्छा, कल सुबह एक छोटे से डॉगी पिकू को अपनी कॉलोनी से किसने निकाला था सेक्रेटरी साहब? अपनी चेयरमैन की धौंस एक अनाथ डॉगी पर जमाते हो। बरसात में जानवरों की मदद करने के बजाय उन्हें भगाते हो। और जो बच्चे मदद कर रहे थे उन्हें भी धमकाते हो है? सोचो, अगर ऐसी बारिश में हम 3 दिन के लिए तुम्हें भी छोड़ दे तो? अरे बारिश, ये तुम लोग कर रहे हो तो बंद कर दो ना, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ओहो, 2 मिनट में ही रोने लगे? सोचो जानवरों का क्या हाल होता होगा जब तुम जैसे लोग उन्हें मार के भगाते हो। अब तुम भी कुछ दिन ऐसे ही बारिश के मजे लो। नहीं नहीं नहीं, ये बारिश बंद करो ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मानता हूँ, अब ये बारिश बंद कर दो ना प्लीज। पिकू जैसे न जाने कितने बेजुबान जानवर मुसीबत से जूझते हैं,
लेकिन तुम जैसे पापी लोग उनकी मदद करना तो दूर, उन्हें और तकलीफ देते हैं। तुम दोबारा ऐसी हरकत ना करो, इसीलिए हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए भूत लोक से आना पड़ा। बस बस बस, अमौल सबक मत सिखाइए, मैं सीख गया हूँ भूत बॉस जी। आज के बाद कभी किसी जानवर के साथ बुला बलताव नहीं करूँगा, सच्ची प्रॉमिस। शाबाश। और पीकू का क्या? पीकू को तो मैं आज से सोसाइटी डॉग बना दूंगा। अरे ये सोसाइटी तो उसी की है। अरे उसके लिए तो हम एक घर भी बनवा देंगे। ये हुई ना बात। Subscribe to Sony A for more such fun videos.